चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टूडेंट हो? हाँ। और आप दो भाई होते हो? हाँ। और आपके पापा आपको एक ही फोन देकर दोनों को काम चलाने के लिए बोल रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको सिंपली मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप दोनों अलग अलग अपने प्राइवेसी फ़ोन चला सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ये फिलहाल रियल मी का फ़ोन है, तो रियल मी फ़ोन के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके पास जो कंपनी का फ़ोन होगा बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग के बगल में मेरा फोटो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किया रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन है, गोलू एडमिन जो भी चल रहा है, यहाँ गेस्ट दिख रहा है, और यहाँ ऐड यूज़र। और अगर आपको यूज़र आईडी मतलब ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको जब यहाँ गोलू एडमिन खुला हुआ है, तो मान लीजिए मेरा भाई खोलना चाहता है, तो आपको यहाँ पे गेस्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट ओवर, कंटिन्यू और कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, स्टार्ट ओवर भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी। इसके बाद खुल जाता है हमारा। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे गेस्ट आईडी खुल चुका है, तो आपका प्राइवेसी वहाँ अलग हो चुका है, यहाँ का प्राइवेसी अलग रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं है, कॉल डिटेल देखें तो कॉल डिटेल भी यहाँ पे नहीं है, और हमारा वॉलपेपर भी उस आईडी में अलग था, इसमें अलग हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नया फ़ोन खुल चुका है, फाइल मैनेजर भी आप खोल के देखें तो यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहे हैं। तो मतलब एक नया फ़ोन यहाँ पर मेरे पे खुल चुका है और एक मेरे जो पुराना फ़ोन चल रहा है वो। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। तो चलिए वापस से उसी आईडी में चलते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करे रहना है और वापस यहाँ इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके हमें वापस वहाँ पे चले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।